अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शेख इम्तियाज और आप देख रहे हैं नॉलेज शेख। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर एक ऐसी दुआ में आपको बताने वाला हूँ कि जिस दुआ को चलते फिरते उठते बैठते अगर आपने इस दुआ को पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा, और जो दुआ मांगोगे अल्लाह तबारक व ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। नाज़रीन, अगर आप गरीबी से तंग आ गए हैं, आप चाहते हैं कि गुरबत से अल्लाह ताला आपको छुटकारा अता फरमा दे, तो नाज़रीन इस दुआ को आप ज़रूर पढ़ ले। इसकी जो फजीलतें हैं, बरकतें हैं, ये आपको ज़रूर मिलेगी। तो नाज़रीन अब आइए उस अमल की तरफ बढ़े, उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे। नाज़रीन अब आइए अमल की तरफ बढ़ते। अमल का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपको ये दुआ 60 मरतबा पढ़नी है, 60 मरतबा यानी 60 मरतबा आपको पढ़नी है। और वो दुआ ये है, वकअय मिन दाबतिन ला तहमिलुहु रिज़्क़ुहा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। नाज़रीन ये दुआ आपको 60 मरतबा पढ़ लेनी है, और फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले जो आपने पहले पढ़ा था। नाज़रीन जब अमल शुरू पूरा करे उसके बाद आप जो है अल्लाह की बारगाह में रिज़्क़ के हवाले से, तंग दस्ती के हवाले से या फिर किसी भी तरह की परेशानी हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह तबारक व ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा और तंग दस्ती से छुटकारा अता फरमाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।